हेलो स्टूडेंट्स इन टू लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एस पी नंबर नाइन दैट इज डिपोज्री सिस्टम सो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डिपोजरी सिस्टम क्या है आज हम देखेंगे कि डिपोजटरी सिस्टम में यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व होता है कह सकते हैं कौन कौन इसके मेन कॉम्पोनेंट्स हैं कॉन्स्टिटूंट्स हैं ओके सो ऑल ऑपरेशन अंडर द डिपोजिटी सिस्टम इज़ परफॉर्म बाई डिपोजिटी विद द हेल्प ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज एक्सप्लेन बेलो तो यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन जितने भी फंक्शन होता है डिपोजिटी सिस्टम के अंडर ये यह यहाँ पे डिपोजिटरी के द्वारा ही किया जाता है किसकी हेल्प से तो जो यहाँ पे चार दिए गए इसकी हेल्प से तो कॉन्स्टिट्यंट्स ऑफ डिपोजटरी सिस्टम तो पहला यहाँ पे क्या है डिपोजिटी जो कि डिपोजिटी ओवरऑल जिस जिसके बारे में बात करें डिपॉजिटरी सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट क्या है द डिपोजिट्री पार्टिसिपेंट जो कि क्या होता है एजेंट होता है किसका डिपॉजिटरी का ओके okay. थर्ड कौन है तो द बेनिफिशियल ओनर मतलब इन्वेस्टर जो पैसे लगाता है कहाँ पे यहाँ पे कंपनी में द ईश इश्योर कंपनी मतलब यहाँ पे द इश्योर कौन है तो कंपनी है ठीक है कंपनी जो कि क्या है यहाँ पे सिक्योरिटीज़ इशू करेगी चाहे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स कुछ भी यहाँ पे ये यह वो पर्सन है जो इसे परचेज़ करेगा और यहाँ पे ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है जो ये क्या करता है डी मोटलइजेशन फॉर्म है डीमटलाइज फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइक जो डीमेट अकाउंट ओपन करता है ठीक है कहाँ पे डिपोज़िटरी सिस्टम में तो ये होता है लिंक किसके बीच में इसके और इसके बीच में ये लिंक होता है ठीक है मतलब कि इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है डी ठीक है देखते हैं एक एक करके पहले डिपोज़िटरी के बारे में देखते हैं क्या है फ़र्स्ट पॉइंट है इसके बारे में हम देखने वाले हैं ठीक है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सेंट्रल बैंक वे आर सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट तो ये क्या होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि सेंट्रल बैंक यहाँ जैसे होता है वहाँ पे अपने जो फंड होते हैं पैसे होते हैं वो कैसे वहाँ पे सेव करके रखते हैं इसी तरीके से जो डिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं ये लोग बेनिफिशियल जो ओनर हैं ठीक है इन्वेस्टर ये क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को अपनी सिक्योरिटीज़ लाइक like अपने शेयर डिवेंचर जो भी है सिक्योरिटीज़ उसे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे ये क्या करते हैं इसे सेव करके रखते हैं कौन तो डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी क्या करता है जो इन्वेस्टर है उसके पैसे को सॉरी पैसे नहीं उसके सिक्योरिटीज़ को हेल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट सेकेंड पॉइंट क्या है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज रिलेट रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटीज़ सो जो डिपोजिटरी है वो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है लाइक ट्रांजेक्शन रिलेटेड जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर डिविडेंड पे करना हुआ अगर ठीक है यहाँ पर यह कंपनी है कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है इसे तो ये क्या करेगा यहाँ पे ये डिपोजिटरी सिस्टम के थ्रू ही यहीं पे आएगा इसका ठीक है यहाँ पे इसके जो भी डिविडेंड है इंटरेस्ट है यहाँ यहीं इसके अकाउंट में डिमेट अकाउंट में ही आएगा तो ये कहाँ से हो रहा है ये सारी चीज़ें डिपोजिटरी अकाउंट के थ्रू डिपोजिट्री सिस्टम के थ्रू थर्ड पॉइंट क्या है इट इज़ रिस्पॉसिबल फॉर सेफ़ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है डिपोजिटरी रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ है उसे सेफ करके रखें ठीक है तो ऐसा ना हो कि कभी कोई भी मतलब कि उसमें से माइनस कर ले मतलब कि उसके invest, जो भी उसके शेयर हैं वो कोई और वहाँ से मतलब माइनस हो जाए डेबिट हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता उसे सेफ करने का काम किसका है हैंडल करने का काम किसका है डिपोजिटरी का नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी यहाँ पे नो डायरेक्ट एक्सेस विद द इन्वेस्टर विद द डिपोजिट्री ये जो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं और यहाँ पे ये जो डिपोजिटरी है डायरेक्ट ये दोनों का ये दोनों साथ में इनका इनके बीच कम्युनिकेशन या कह सकते हैं कि इनके बीच डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता ऐसा नहीं कि ये जो इन्वेस्टर है डायरेक्ट जाके यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर ले और यहाँ पे अपनी जो सिक्योरिटीज़ है हेल्ड करें इनके बीच में कौन आता है ये डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट ये क्या करते हैं यहाँ पर जाते हैं और ये डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मतलब बीच में कौन आ रहा है इन दोनों के बीच में डिपोजिटरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट ही क्या करते हैं डिपोजिट्री में अपना इस इसके इसके बिहाफ़ में क्या करता है कि यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करता है डीमेट अकाउंट और उसी डीमेट अकाउंट में सारे उसकी सिक्योरिटीज़ हेल्ड होती हैं ओके सो इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स तो ये जो डिपोजिट्री है ये किसके बीच में लिंक का, का काम कर रही है तो कंपनी ये कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में लिंक का, का काम कौन कर रहा है ये डिपोजिटरी डिपोजिट्री इन दोनों के बीच में लिंक का काम कर रहे हैं इसने क्या किया इशू किया जो भी सिक्योरिटीज़ हैं ये ख़रीदना चाहता है तो कैसे खरीद खरीद सकता है डिपोजिट्री सिस्टम के द्वारा ये खरीद सकता है बीच में यहाँ पे ये अपना डिमेट अकाउंट ओपन करेगा डिमेट अकाउंट ओपन कौन करेगा ये लेकिन कहाँ पे ओपन होगा इन यहाँ पे ठीक है डिपोजिट्री सिस्टम में तो इस तरीके से जो डिपोजिट्री है किसके बीच में लिंक हुआ कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक लिंक हुआ है कौन डिपोजिट्री यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है किसके बारे में तो ये दिया गया है डिपोजिटरी इन इंडिया इन इंडिया में कौन से दो हैं तो यहाँ पे देखिए देर आर टू डिपोजिटरीज नेमली एन एस डी एल एंड सी डी एस एल ये दोनों ही क्या हैं ये दो माध्यम हैं डिपोजिटरीज के ठीक है जैसे अलग अलग बैंक हैं वैसे ही ये क्या है दो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है डिपोज़िटरीज़ है और इसी के थ्रू लोग क्या करते हैं अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं और यहाँ से अपनी सिक्योरिटीज़ को हेल्ड करते हैं किसी भी कंपनी का तो ये जो एन एस डी एल है सी डी एस एल है ये क्या है ये रजिस्टर्ड होती है सी वी के सी वी के अंडर में ठीक है सी वी के अंडर में ये क्या होती है रजिस्टर्ड होती है डिपोजिटरीज मस्ट भी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कम्पनीज एक्ट सो डिपॉजिटरी ये डिपॉजिटरी जो डिपॉजिटरी सिस्टम है ये भी रजिस्टर होनी चाहिए जो कंपनी एक्ट है टू थाउजेंड थर्टीन जो कंपनी एक्ट है उसके अंडर में ये क्या होनी चाहिए रजिस्टर होनी चाहिए थर्ड पॉइंट क्या है डिपॉजिटरी इज मस्ट रजिस्टर्ड एज अ डिपॉजिटरी अंडर द सेवी एक्ट नाइन्टीन नाइन्टी टू तो डिपॉजिटरी किसके अंडर में यहाँ पे आ, होना चाहिए रजिस्टर सो so, जो सेबी एक्ट आया ठीक है सेबी से मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो इसके बीच में क्या होना चाहिए मतलब इसके अंडर में क्या होना चाहिए रजिस्टर होना चाहिए एंड ऑप्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेबी तो सेबी इसके द्वारा इसे क्या मिलता है एक सर्टिफिकेट मिलता है किसे डिपोजिट्री सिस्टम को डिपोजिटी ऑर्गेनाइजेशन को एन एस डी एल सी से डी एस एल को तो इसे क्या मिलता है सर्टिफिकेट मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कि हाँ अभी आप अपना बिजनेस ये जो शेयर का बैंक ट्रेडिंग है बाइक सेलिंग इसे आप स्टार्ट कर सकते हो कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट करना सर्टिफिकेट मिलता है कि ये इसे सेबी से ठीक है तभी ये काम कर सकता है डिपोजिट्री सिस्टम इट शुड हैव बाय लॉज फ्रेम्ड विद प्रोविजन अप्रूवल ऑफ सेवी सेवी के जो भी लॉज हैं प्रोविजन हैं ठीक है उसे फॉलो करना चाहिए किसी डिपोज़िटरी सिस्टम को तब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इट शुड हैव अ टाई अप विद वन और मोर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट टू रेंडर डिपोजिटरी सर्विस ऑन इट्स बिहाफ तो यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए टाई अप होना चाहिए एक लिंकअप होना चाहिए किसके बीच में डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के बीच में डीपी ठीक है और डी पी रेंडर डिपोजिटरी सर्विसेज की मतलब कि ये क्या करते हैं जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं किसके बिहाफ़ में जो इन्वेस्टर होते हैं उसके बिहाफ़ में ये क्या करते हैं अकाउंट ओपन करते हैं ठीक है तो डिपॉजिटरी क्या करता है इन्हें सर्विस देता है इन्हें ठीक है डिपोजिटरी किस ये सर्विस दे रहा है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को इट इज़ इक्विप्ड विद एडिक्वेट सिस्टम टू सेव गार्ड एंड प्रिवेंट मैनिपलेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन ट्रांजेक्शन एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेबी तो यहाँ पे ये यह क्या है यहाँ पे मतलब कि जो जो डिपोजिटी सिस्टम है ये यह यहाँ पे क्या है एडिक्वेट सिस्टम है इसका पर्याप्त अच्छा सिस्टम है सेव मतलब कि कुछ भी इसमें को तो, मैनिपुलेट नहीं हो सकता कोई भी कोई भी यहाँ पे मतलब ये क्या है ये तो लाइक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर कोई भी मेनिपलेशन नहीं हो सकता कोई हेयर फेयर यहाँ पे कह सकते हैं जो करप्शन होता है रिकॉर्ड रखने में ठीक है रिकॉर्ड कायम करने में रखने में या ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है ये क्या सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है और किसके डायरेक्शन में हो रहा है सेविंग के अंडर में हो रहा है से के डायरेक्शन तो यहाँ पे कोई भी मतलब कि मैनिपलेसन होने से इसमें रोका जा सकता है ऑनलाइन क्या हो रहा है यहाँ पे सेफ कार्ड है मतलब ये ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा है और ये सेबी के अंडर में सेबी के डायरेक्शन में सारे ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड रखे जाते हैं इसलिए मैनिपुलेट होने का हेयर फेयर होने का इसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कह सकते हैं कि ख़त्म सी होती है मतलब इसमें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई भी यहाँ पे हेयर फेयर हो सके डिपोजिटी शुड हैव बीन इस्टेबलिश्ड वन इस्टैब्लिश्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सो यहाँ पे देखिए डिपोजिटरी यहाँ पे मतलब uh, इस्टेब्लिश uh, हो चुके हैं लाइक like, uh, किस फॉर्म में सो so, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक फॉरेन बैंक ये सब क्या हो सकते हैं ये ये सारे के सारे एज अ डी पी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं तो कौन कौन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक फॉरन बैंक रिकोनाइज स्टॉक एक्सचेंज अबॉडी कॉरपोरेट इंगेज तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस ये सब क्या कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे डिपोजिट्री यहाँ पे मतलब कि इसे फॉलो करना जरूरी है ये सब क्या होते हैं बीच में क्या बनते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह वर्क कर सकते हैं यहाँ पे जितने सारे दिए गए ये सारे के सारे ठीक है डिपोजिट्री इज़ डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड ओनर ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ़ ऑफ इन्वेस्टर बेनिफिशियल ओनर टू अफेक्ट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन इन्वेस्टर्स बिहाफ तो यहाँ पे क्या बोला गया है दैट मीन्स तो यहाँ पे जो डिपोजिटरी सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्वेस्टर के बिहाफ में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये इसके अकाउंट में जो भी होता है शेयर अगर वो खरीदता है तो अब उसके डिमेट अकाउंट में आ जाता है अगर वो लाइक सेल करता है तो भी उसके अकाउंट से वो शेयर डेबिट हो जाता है ओके और ये यह देखिए यहाँ पे नाइन पॉइंट में क्या है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ डिपोजिटरी तो सेवि एक्ट नाइनटीन टू नाइनटीन नाइन्टी टू के अंडर में आ, ये उसको फॉलो करता है यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे जितने एक्ट दिए गए हैं है, इन सब को फॉलो करता है डिपोजिट्री सिस्टम ओके तो ये सब क्या है ये पूरी तरीके से जो डिपोजिट्री सिस्टम पूरी तरीके से लीगल है सेफ़ है ठीक है क्योंकि ये सारे जो एक्ट हैं उनके अंडर में ये उसके अंडर में ही ये सारी चीज ये डिपोजिटरी सिस्टम आता है नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि है डी ओके इट इज़ द एजेंट ऑफ डिपोजिटरी डिपोजिटरी का ये क्या है डिपोजिटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये क्या होता है डी एजेंट होता है डी पी इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट और जो डिपोजिटी सिस्टम जो डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें सेबी एक्ट के अंडर उन्हें खुद को रजिस्टर करवाना होता है मतलब कि ये रजिस्टर होते हैं सेबी एक्ट के अंडर में इट इंजॉयज़ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड अंडर से बी ओके डिपोजिटी एंड डिपोजिट्री एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन ऑफ नाइनटीन नाइन्टी सिक्स सो ये इन्हें कुछ राइट्स मिले होते हैं कुछ ऑब्लिगेशन मिले होते हैं ओके okay, कुछ यहाँ पे इन्हें अथॉरिटी मिली होती है तो स्पेसिफाइड अंडर सीवी मतलब सीवी के अंडर में रह के इन्हें कुछ राइट्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली होती है किसी डिपोजिटिन पार्टिसिपेंट को एंड रेगुलेशन ऑफ 1996 1996 के जो रेगुलेशन है रूल है उसके अकॉर्डिंग इन्हें कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और कुछ कह सकते हैं कि कुछ अथॉरिटी भी इन्हें मिली हुई है ओके okay. इट इज़ एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय डिपोजिटरी तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं मतलब कि ये इंटरमीडियरी एक, एक बीच का काम करते हैं ठीक है डिपॉजिटरी के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं डी पी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर सो डिपोजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में ठीक है डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि डिपॉजिटरी डिपोजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में लिंक का, का काम करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्योंकि ये दोनों को डिपॉजिटरी को और जो इन्वेस्टर है उसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है डीपी कर रहा है ना इट डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर्स ये डायरेक्टली मतलब जो भी कम्युनिकेशन करना है बातचीत करना है या फिर जो भी कस्टमर uh, का जो भी लाइक like, उनके शेयर से उनके अकाउंट से डिमेट अकाउंट्स जो भी सिक्योरिटी का Uh, यहाँ पे ट्रेडिंग करना है वो सारी चीज़ें करने का काम उन्हें अपडेट करने का काम जो कस्टमर्स हैं उन्हें इन्फॉमेसन देने का काम सारा ये सारा ये सारा काम किसका होता है डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट का इट सेंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पीरियडिकली पीरियडिकली मतलब समय समय पर टाइम टू टाइम ये क्या करते हैं स्टेटमेंट सेंड करते रहते हैं अपने इन्वेस्टर को अपने क्लाइंट को ठीक है जैसे कि उन्होंने सपोज़ uh, की सिक्योर उनके सिक्योरिटी का प्राइस कितना हुआ है कितना सेल किया उन्होंने कितना परचेस किया कितना माइनस हुआ कितना प्लस हुआ ये सारी चीज़ें अकाउंट्स का जो भी स्टेटमेंट होता है वो टाइम टू टाइम वो भेजते रहते हैं अपने यहाँ मतलब अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ठीक है इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज़ बैंक ये बिल्कुल सिक्योरिटीज़ बैंक की तरह काम करते हैं डी बिल्कुल डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट जो हैं ये बिल्कुल सिक्योरिटीज़ बैंक की तरह काम करते हैं जैसे कि यहाँ पे बैंक का क्या काम होता है हमारे सिक्योरिटीज़ को यहाँ मतलब कि हमारे बैंक हमारे जो पैसे हैं फंड है उसे आ, मतलब कि सिक्योर करके रखना प्रॉपर उसे मैंटेन करना उसके जो भी इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करना बिल्कुल इसी तरीके से डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट होते हैं जो भी इसी तरीके से वो भी फंक्शन मतलब कार्य करते हैं इट फैसिलिटेट्स डिमोटिलाइजेशन तो जो डीपी होते हैं ये क्या काम करते हैं ये कौन सा सुविधा प्रोवाइड कराते हैं डी का अगर किसी का लाइक किसी का न, फिजिकल फॉर्म में शेयर है तो उसे डीमोटिलाइज़ करना मतलब उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना ये किसका काम है डिपोजिटी पार्टिसिपेंट डिपोजिटी पार्टिसिपेंट क्या करते हैं डिपोजिटी ऑर्गेनाइजेशन सी डी या फिर एन में जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं इसका तो ये क्या हो जाता है डीमोटलेशन फॉर्म में आ जाता है फिर यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन कर सकता है अपने अपना ट्रेडिंग कर सकता है अपनी सिक्योरिटीज़ की एक पॉइंट क्या है इट क्रेडिट सिक्योरिटीज़ इन द इवेंट्स ऑफ राइट इशू बोनस इशू एट्सट्रा ये क्या करता है जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसे क्रेडिट करने का काम सपोज़ कंपनी ने इन्वेस्टर को क्या दिया उसे राइट right इशू दिया बोनस इशू मतलब हमें पता है कि गिफ्ट होता है जो शेयर उसे गिफ्ट में मिलता है राइट right इशू क्या होता है कि पहला हक होता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का कि अगर कंपनी फिर से यहाँ पे शेयर इशू कर रही है तो सबसे पहला किसे मिलता है उसे खरीदने का तो उसे मिलता है जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं मेंबर्स होते हैं उन्हें ठीक है तो अगर यहाँ पे ख़रीद रहा है तो ये उसे क्रेडिट करने का काम उसकी अगर खरीद लिया उसने यहाँ पे इन्वेस्टर ने तो इसे यहाँ पे क्रेडिट करने का काम उसके अकाउंट में बोनस इशू या राइट right इशू वो क्रेडिट करने का काम उस उसे जो सिक्योरिटीज़ है उसे क्रेडिट करने का काम कौन करता है तो डीपी करता है इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ पे आउट्स लाइक डिविडेंड इंटरेस्ट एट्सट्रा तो ये तुरंत इंस्टेंट ट्रांसफ़र करता है तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र करता है डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी कंपनी की तरफ से मिलता है इन्वेस्टर्स को बेनिफिशियल ओनर को ये तुरंत क्या करता है डीपी क्या करता है उसके अकाउंट में ये तुरंत तुरंत ट्रांसफ़र कर देता है चाहे डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो टेन पॉइंट क्या है इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली जो भी यहाँ पे ट्रेड हैं बाइंग सेलिंग जो भी उसके शेयर सिक्योरिटीज़ की बाइंग सेलिंग हो रही है ट्रेडिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेटल करना उसे करना मतलब मेंटेन करना बैलेंस करना किसका काम है डी का फॉलोइंग कैन वर्क एज डी पी यहाँ पर कुछ दिए गए इंस्टीट्यूशन ये क्या कर सकते हैं एज अ डी पी वर्क कर सकते हैं है. तो तुम्हें पता है कि डी पी के एज अ डी पी वर्क कौन करता है तो कोई बैंक होता है जैसे आई सी आई एस डी एफ सी ठीक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉरेन बैंक्स जो फॉरेन बैंक्स होते हैं अप्रूवड होते हैं कस्टोडियंस जो कि होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर ऑपरेशन ऑफ असेट्स फंड स्टॉक ब्रोकरस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये सब कुछ नाम हैं जो कि एज अ डी वर्क कर सकते हैं आपको एग्ज़ाम में इतने सारे नहीं लिखने आपने अगर तीन चार भी लिख दिया तो बहुत है ठीक है जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में द बेनिफिशियल ओनर मतलब इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं अभी हम द बी ओ इज़ द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज़ हुज़ अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट तो यहाँ पे देखिए बीओ कौन होते हैं बेनिफिशियल ओनर होते हैं जो कि इन्वेस्टर होते हैं और ये अपनी सिक्योरिटीज़ को अवेल करते हैं मतलब कि यहाँ पे हेल्प करते हैं और डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट की ये क्या लेते हैं सर्विस लेते हैं जो डीपी पी हैं ठीक है डीपी जो डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट है उनकी ये सर्विस लेते हैं क्यों क्योंकि उन्हीं के पास में इन्होंने क्या करवाया डी अकाउंट ओपन करवाया उन्हीं से गाइडेंस ली नॉलेज लिया ठीक है तो यहाँ पर क्या करते हैं डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट के पास में ही वो मतलब डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट की ये सर्विस लेते हैं ठीक है और यही वो लोग होते हैं जो सिक्योरिटीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं बीओ ओ इज़ इंटाइटल टू ऑल राइट्स मतलब कि यहाँ पे जो बेनिफिशियल uh, ओनर होते हैं इन्वेस्टर होते हैं उन्हें सारे हक मिले होते हैं सारे कई सारे राइट्स मिले होते हैं बेनिफिट्स मिलते हैं इन्हें एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू ऑल लेवल्टीज विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाई डिपोजिटरी देखिए यहाँ पे इन्हें क्या फ़ायदे भी हैं कुछ राइट्स हैं कुछ बेनिफिट्स हैं प्रॉफिट हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं ठीक है कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं अगर ये ओ, क्या है यहाँ पे अगर सपोज़ शेयर होल्डर हैं तो इनकी रिस्पॉन्सबिलिटी है कि जो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना वोटिंग राइट्स या फिर हम कह सकते हैं जो अगर सपोज़ कि इन्होंने पूरा पे नहीं किया सपोज़ इन्होंने शेयर ख़रीदा है सौ so, अगर सपोज़ इन्होंने सौ शेयर ख़रीदे तो उसमें से उन्होंने सपोज़ एटी शेयर के उन्होंने पैसे पे किए ट्वेंटी के नहीं किया या फिफ्टी के नहीं किए तो वो उनकी लाइब्रेटीज़ बनती है कि वो उसका फिर से वो वो मतलब उसे टाइम टू टाइम उसे क्या करे उसका जो भी पैसा है वो पे करें कंपनी करे को तो यहाँ पे इनके लाइब्रेटीज़ बन जाती हैं ठीक है सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय डिपोजिटी जो डिपोज़िटरी के द्वारा यहाँ पे सिक्योरिटीज़ हेल्ड की गई है तो इनकी ये लाइबिलिटीज़ बनती है कि जो पैसे अगर कुछ बाकी हैं तो उसे पे करना ये इनकी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं ठीक है और कुछ लाइबिलिटीज़ होती है कंपनी की तरफ से वो भी इन्हें वो रिस्पॉन्सबिलिटीज़ निभानी होती है नेक्स्ट पॉइंट क्या है द बी ओ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लाइंट ऑफ डिपोजिटरी एंड डी पी तो जो बी ओ होते हैं ठीक है जो बेनिफिशियल ओनर uh, होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं ये क्लाइंट होते हैं डिपोजिटरी के और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट दोनों की ठीक है डिपोजिटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इनका जहाँ पे इनका डीमेट अकाउंट ओपन है ठीक है जहाँ पे इनकी सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी गई है वो ऑर्गेनाइजेशन सपोज इसे बैंक में रखते हैं तो हम क्या होते हैं बैंक के क्लाइंट होते हैं ना क्योंकि हम वहाँ पर हमने वहाँ पर अपनी ज्वेलरी या फिर अपने पैसे रखे हैं तो हम क्या होते हैं बैंक के क्लाइंट होते हैं ऐसे ही डिपोजिटरी में इसने क्या किया शेयर रखा है तो ये क्या हुए ये लोग ये लोग इसके भी क्लाइंट uh, होते हैं और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इसके थ्रू क्या किया यहाँ पे करवाया यहाँ पे अकाउंट ओपन कराया तो इसके थ्रू गए ये एजेंट के थ्रू गए तो इस ये एजेंट क्या है ये इन्वेस्टर का या ये इन्वेस्टर का क्या है ये ये भी क्लाइंट ही है ठीक है मतलब इन्वेस्टर यहाँ पे जो है जो बेनिफिशियल ओनर है ये इसका भी क्लाइंट है और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का भी क्लाइंट है इन दोनों का क्लाइंट कौन है तो बी बी ओ क्लाइंट इज़ रिक्वायर टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद द डी पी फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ सो बी ओ जो बेनिफिशियल uh, यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं बेनिफिशियल ओनर होते हैं ये ये जो क्लाइंट होते हैं इन्हें क्या जरूरत है रिक्वायर होती है डीमेट अकाउंट ओपन करने के DP. DP की विद द डी पी डी पी की हेल्प से डी पी के साथ में uh, क्या करना होता है इन्हें एक अकाउंट ओपन करना होता तो है जिसे बोलते हैं डीमेट अकाउंट ठीक है फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग तभी वो क्या कर सकते हैं अपने सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मोड में होल्ड हेल्ड uh, करके रख सकते हैं वी यू हेज़ टू पे चार्ज टू द डी पी फॉर अवेलिंग द सर्विस ऑफ डी पी तो इन्होंने डी पी का यहाँ पे सर्विस लिया कुछ काम करवाया अपना तो चार्ज तो इन्हें पे करना पड़ेगा जो भी ये पैसा मांगेगा जितना भी होगा जैसे हम लॉयर हायर करते हैं वकील हायर करते हैं तो उन्हें पैसे तो देते हैं ना इसी तरीके से ये भी क्या करेंगे ये डी पी डिपोजिटिव पार्टिसिपेंट को कुछ चार्ज पे करेंगे कुछ पैसे पे करेंगे बी ओ इज गिवन गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड जो बेनिफिशियल ओनर होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं इन्हें कुछ यूनिक अकाउंट नंबर दिए जाते हैं ठीक है कुछ यूनिक अकाउंट नंबर मतलब कि अलग होता है सबसे और हर uh, इन्वेस्टर का जो ये अकाउंट नंबर होता है वो क्या होता है सबका अलग होता है जिसमें कि सिक्योरिटीज़ उनकी हेल्ड की जाती है जैसे हमारा अकाउंट नंबर होता है ठीक है अकाउंट नंबर होता है जो कि जिसमें हमारे जो हमारे जिसमें हम पैसे रख सकते हैं उसी तरीके से ये भी इनका शेयर रखने के लिए क्या होता है एक अकाउंट यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसमें ये इनके सिक्योरिटीज़ हेल्ड करके रखी जा सकती हैं जो शेयर इनका वहाँ पर सेफ होता है लास्ट कौन है तो द इशूअर कंपनी जो कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज़ इट मीन्स द कंपनी विच हैज़ इशूड द सिक्योरिटीज़ विच आर डी ये वो कंपनी होती है जो सिक्योरिटीज़ इशू करती है डी फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कंपनी यहाँ पे डिवेंचर शेयर बॉन्ड्स डिपॉजिट्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं सिक्योरिटीज़ होती हैं ठीक है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिमेटिलाइज फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया जा रहा है उस कंपनी को यहाँ पे बोला जा रहा है देशोर कंपनी इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपोजिटरी तो देखिए ये जो कंपनी है ना डिपॉजिटरी जो ऑर्गनाइजेशन है उसके अंडर में यहाँ पर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है मतलब कि ये जो कंपनी है ये रजिस्टर होगी डिपोजिट्री सिस्टम में डिपोजिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये रजिस्टर होगी रजिस्टर होगी तभी तो ये क्या कर सकती है अपना यहाँ पे डिपोज़िट्री ऑर्गेनाइजेशन में ये अपना यहाँ पे शेयर इशू कर सकती है तभी तो यहाँ के जो होल्डर्स जो मेंबर्स हैं इस कंपनी के तभी तो यहाँ पे डिपोजिटरी लाइक अपने शेयर को होल्ड करके दख, रख सकते हैं डिपोजिटरी में तो यहाँ पर कंपनी को डिपोजिटरी uh, सिस्टम के साथ डिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर होना बहुत जरूरी है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट लाइक टर्म्स रिलेटेड टू डिपोजिटरी सिस्टम डिपोजिटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स uh, हैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना आप